लहसुन ना हुआ जेवर हो गया। बताइए तो लहसुन के दाम क्या बढ़े, किसानों की चिंता सातवें आसमान पर पहुंच गई है। कोई हाईटेक कैमरे लगाकर अपनी फसल की निगरानी कर रहा है तो कोई बंदूकों से रखवाली कर रहा है। खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां लहसुन की बड़ी कीमतों के कारण किसानों में भी कभी खुशी तो कभी गम जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। खुशी इस बात की है कि इस बार लहसुन की फसल लगाने वाले किसानों को बढ़िया दाम मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गम और चिंता इस बात की है कि खेतों में तैयार उनकी लाखों की फसल कोई चुरा न ले जाए। इसी चिंता को दूर करने के लिए उज्जैन के गांव मंगरोला के किसान ने फसलों की निगरानी के लिए हाईटेक कैमरे लगवा दिए हैं और खुद घर बैठकर अपनी फसल की निगरानी कर रहे हैं। इस साल लहसुन की फसल ने किसानों को खुशहाल बना दिया है और कहीं कहीं तो करोड़पति भी बना दिया है। कुछ दिन पहले ही हमने छत्तीसगढ़ के एक किसान की कहानी बताई थी, जो लहसुन की फसल उगाकर करोड़पति बन गया था। वाकई 80 से 100 रुपए बिकने वाला लहसुन इन दिनों पूरे तेवर दिखा रहा है। कहीं 500 तो कहीं 600 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में लहसुन उत्पादक किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी खुशी के साथ साथ किसानों को इस बात की चिंता भी है कि वे खेतों में तैयार लहसुन की रखवाली आखिर कैसे करें, क्योंकि फसल के अच्छे दाम होने से अब उनके चोरी होने का डर भी लगातार सता रहा है। अभी मैं चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इस बार किसानों के चेहरे पर लहसुन का भाव अधिक होने के कारण खुशियाँ हैं। मतलब जिस किसान ने भी अगर लहसुन बोई है, जिस दिन अगर उसके घर की अगर वो लहसुन बेचने जाएगा मार्केट में, तो ये मान के चलो कि उसके यहाँ दिवाली बन जाएगी। इसी को देखते हुए किसानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग सुरक्षा कर रहे हैं। मतलब कहीं अगर मकान खेत पे बने हुए तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा रहते हैं ताकि उसको देख सकते हैं, मोबाइल से अटैच करके कहीं भी रहे। या जिसके यहाँ कैमरे नहीं है तो वो 24 घंटे अपने व्यक्ति, कोई भी घर का एक व्यक्ति 24 घंटे वहाँ बिस्तर डाल के ही उसकी चौकीदारी कर रहा है। और किसी के पास हथियार जैसे बंदूक है, पिस्टल है, तो वो बंदूक और पिस्टल लेकर अपने खेत पर बैठ रहा है और अपने लहसुन की रखवाली कर रहा है। खेतों में तैयार लहसुन की फसल की चोरी से बचने के लिए उज्जैन का एक किसान ऐसा भी है जो बंदूक लेकर लहसुन की रखवाली कर रहा है। मंगरोला के किसान जीवन सिंह ठाकुर ने खेत में खड़ी लहसुन की फसल की सुरक्षा के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है और खेतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे खेतों में कुछ इस तरीके से लगाए गए हैं कि जिससे कि खेत पर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर आसानी से निगाह रखी जा सके। किसान जीवन सिंह ठाकुर ने बताया कि ये कैमरे लगाने के बाद घर का एक व्यक्ति दिन रात खेतों पर नजर रखता है, तो वहीं एक व्यक्ति बंदूक लेकर खेतों के चक्कर लगाता रहता है। ऐसा नहीं है कि जब पहली बार किसी फसल की निगरानी करने के लिए किसान चिंतित हुए हों। इससे पहले टमाटर के दाम भी सेंचुरी लगा चुके थे और प्याज का तो हर साल दो बार नाटक चलता ही है। तब भी किसानों ने इसी तरह खेतों में तैयार फसलों को बचाने के लिए अपने तरीके से इंतजाम किए थे। हमारे संवाददाता ने जब उज्जैन मंडी में जाकर विक्रेताओं से लहसुन के दाम बढ़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनाते हैं आपको। एक्चुअल में तेजी आने का कारण ये है कि जो बीच में जब पुराने माल आ रहे थे समय से पहले ख़त्म हो गए, और समय से पहले ख़त्म होने की वजह से नया माल थोड़ा थोड़ा आ रहा था, इसकी वजह से उसमें तेज़ी बन गई और वो माल अपने हिसाब से अच्छे स्तर पे बिकने लगा। और अभी भी माल अब थोड़े जाके थोड़े थोड़े माल थोड़ा सा मतलब रफ्तार पकड़ रहा और माल थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा है। इससे पहले थोड़ा माल कम आ रहा था तो इसलिए थोड़े ऊँचे भाव बने हुए हैं। अभी भी भाव अच्छे हैं और अच्छे भाव बिक रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली की सीमाओं पर किसान एमएसपी के दामों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे किसान भी हैं जो सामान्य जीवन जीते हुए अच्छी फसल उगा रहे हैं और अच्छा खासा मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। चलिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।